हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोलर एनर्जी. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सो मैनी हीटिंग डिवाइसेस दैट डिवाइसेस यूजेस सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस हीट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग डिवाइसेस. फर्स्ट हीटिंग डिवाइसेस दैट इज सोलर कुकर, राइट. तो आज हम लोग सोलर कुकर की कहानी शुरू करेंगे, कहानी सुनेंगे, ठीक है. तो क्या होता है सोलर कुकर, ठीक है. तो सोलर कुकर हमेशा हम लोग टर्म समझते हैं किससे, वर्ड से, ठीक है. तो सोलर कुकर क्या, दो वर्ड है, कौन कौन सा है. सोलर, सोलर मीन सन, एंड कुकर दैट इज यूज्ड टू कुक फूड, राइट. तो उसको हम लोग कुकर कहते हैं. तो वैसा डिवाइस दैट यूजेज सन लाइट एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड इट हेल्प अस टू कुक फूड इज सिंपली नोन एज सोलर कुकर, राइट. अगर सिंपल वे में इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखकर डिफाइन करेंगे, इट इज अ डिवाइसेस, it is a devices that uses sunlight to produce heat. तो हम लोग सोलर कुकर को ये एक फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे. अगर फॉर्मेशन की बात करें देन सोलर कुकर इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंपली मेटल बॉक्स और वुडन बॉक्स, राइट. ये एक मेटल बॉक्स का भी बना हो सकता है या फिर सिंपली वुडन बॉक्स का भी बना होता है. बट कंडीशन इज दैट द इंटरनल पार्ट ऑफ द कुकर शुड बी कलर्ड इन ब्लैक, ठीक है. ये जो इनसाइड रीजन होता है अंदर वाला कुकर का, वो क्या होता है, ब्लैक कलर से कलर्ड रहता है, ठीक है. उसके बाद ये यहां पर एक क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर. एंड आल्सो दिस बॉक्स इज कवर्ड विथ अ ग्लास. यहां भी एक क्या होता है, ग्लास होता है. यहां पर कोई मिरर नहीं होता, सिंपली एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, राइट. तो अब देखिए इसका क्या होता है थ्योरी. व्हेन सनलाइट strikes the plane mirror, then ये plane mirror क्या होता है, एक reflector का काम करता है. Just like हम लोग अपना face देखते हैं ना आईने में, तो वो reflect करता है हमारे image को, ठीक है. उसी तरीके से ये जो reflector यहाँ पर होता है वो भी, that also reflects the sun rays towards the glass, ठीक है. अब यहां से जो भी सनलाइट आया, स्ट्राइक किया, वो सारा का सारा सनलाइट क्या होगा, अब इस ग्लास रड के थ्रू इनसाइड द बॉक्स होगा, वो उसको ऐसे सेंड करेगा, ठीक है. अब एक ही दो रे तो आएंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे रेज आते हैं और सारे को वो क्या करता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉक्स कर देता है. बट कंडीशन इज दैट सोलर कुकर इज प्लेस्ड आउटसाइड द हाउस इन सच अ वे दैट द रिफ्लेक्टर फेसेस द सन, राइट. इसको जब भी हम लोग घर से बाहर रखते हैं तो इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो रिफ्लेक्टर होगा वो सन के डायरेक्शन में, सन उधर, रिफ्लेक्टर इधर, ठीक है, ताकि वो उधर से सन रे इसमें आए, स्ट्राइक करे और ये जो रिफ्लेक्टर नीचे होगा, सॉरी जो ग्लास होगा उसके थ्रू इनसाइड द कुकर अंदर रे चला जाए, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये सन रे स्ट्राइक करने के बाद अंदर चला गया, किसमें, बॉक्स में जा रहा है, तो ये जो ग्लास होता है उसको सन रे को वापस नहीं जाने देता, ठीक है, वो वापस नहीं जाने देता. और ये जो ब्लैक कलर्ड इनसाइड जो रीजन है वो ब्लैक कलर का होता है, वो क्या कर लेता है, सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. और ये
थोड़े देर के बाद में क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो सिर्फ यही नहीं, इसका भी, ये जो कंटेनर होता है इसका भी एक रोल होता है, ठीक है। जिस कंटेनर में हम लोग कोई भी फूड आइटम्स लाइक राइस पल्स और वेजिटेबल रखते हैं, दैट शुड बी ऑल्सो कलर्ड विथ ब्लैक, ठीक है। ये भी ब्लैक कलर का कलर होना चाहिए। अब देखो ब्लैक कलर इसलिए यूज होता है क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। तो वही रोल है इसमें। अब देखो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये क्या, दिस टेम्परेचर इज इनफ फॉर कुकिंग फूड आइटम्स लाइक राइस पल्सेस और वेजिटेबल। अब ये 100 और 140 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है हम लोगों को फूड कुकिंग में, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। अब देखो, अब कहेंगे क्या कि अगर हम लोगों को कुछ चीज़ फ्राई करना है, ठीक है, या फिर बेकिंग करना है, ठीक है, तो उस केस में ये प्रेशर कुकर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, उस समय काम नहीं करता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो रिफ्लेक्टर है इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट मतलब क्या कि इस, ये अभी सिंपली क्या है, प्लेन है ना एकदम, तो इसको क्या किया जाता है, कर्व बना दिया जाता है। कर्व मीन्स दैट स्फेरिकल शेप में बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, इधर से सनरे आ रहा है, सनरे इधर से आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा एक सिंपल पॉइंट, मान लो यहां पर हम लोगों ने कंटेनर रख दिया। अब ये सारा का सारा फोकस होगा किस पर, इस कंटेनर पे, ठीक है। तो जितना भी हीट है, अब सोचो जितना भी सनलाइट है सिर्फ अगर एक पॉइंट पर उसको हम लोग फोकस कर देंगे तो उससे हीट हम लोग को क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, हीट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से अभी इससे हम लोग क्या आसानी से किसी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है कहानी एक सोलर कुकर की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो इफ विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अ सोलर कुकर, देन Following are the advantages and disadvantages. So first of all, first advantages is it saves fossil fuel, right? हम लोग सोलर कुकर यूज कर रहे हैं तो क्या ये फॉसिल फ्यूल को सेव कर रहा है, ठीक है। हम लोगों को वुड यूज नहीं करना पड़ रहा है, कोल यूज नहीं करना पड़ रहा, और ना ही नेचुरल गैस, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इट डजेंट प्रोड्यूसेस स्मोक, हेंस इट इज इको फ्रेंडली, ठीक है। सोलर कुकर में कोई भी स्मोक, धुआं, कुछ भी निकलता नहीं है, तो ये क्या करता है, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट, मैनी फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड एट द सेम टाइम, हम लोग एक ही सोलर कुकर में क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के आइटम्स को एक साथ कुक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना अंदर में कंटेनर उतना ज़्यादा फूड आइटम्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर डजेंट गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब हम लोग सोलर कुकर में जो भी क्या करते हैं, फूड आइटम्स और वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं ना, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर यूज कर लो सिंपली, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी डालकर और कुछ ये करके उसको में उबाल, उसको बॉयल करते हैं, तो वेपर के थ्रू क्या होता है ना, वो बाहर निकल जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और बहुत सारा तो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो वो चीज़ सोलर कुकर के केस में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग नाइट। अब रात में तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सोलर कुकर को चाहिए सोलर लाइट। अब हम लोग बल्ब के लाइट से उसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि बल्ब के लाइट में उतना इनफ हीट नहीं मिल सकता,
ठीक है। तो ये हुआ इसका डिसएडवांटेजेस कि इसको रात में यूज नहीं कर सकते हैं, इट डजेंट वर्क प्रॉपरली इन रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में ये अच्छे से वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि क्लाउडी क्लाउड बहुत सा होता है उस समय, ठीक है। प्रॉपरली सन रे हम लोग को उतना नहीं मिल पाता जितना कि रिफ्लेक्टर को चाहिए होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर अगर देखो, अगर फिगर्स नहीं समझ में आया तो इसको देख लो, ये है सोलर कुकर, ठीक है। इनसाइड द कुकर क्या है, सारा कुछ ब्लैक कलर्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्टर में क्या है, प्लेन मिरर यूज हुआ है ना। तो ये देख लो, थर्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर हैज टू बी चेंज टाइम टू टाइम। अब सन एक जगह तो नहीं रहेगा, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है तो उसका पोजिशन चेंज हो रहा है, किसका, सन का नहीं अर्थ का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्टर का पोजीशन को चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। सन का रे अब इधर से आ रहा है तो ऐसे, फिर उधर गया तो फिर ऐसे, बार बार ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। वी नीड टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकर टू गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या समझो, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अभी जो फिगर के थ्रू हमने पढ़ा था वो क्या, बॉक्स टाइप था, बॉक्स टाइप सोलर कुकर था, ठीक है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में हम लोग टेम्परेचर कितना, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गेन कर सकते हैं, मतलब इसमें इस टेम्परेचर में हम लोग किसी चीज को फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हुआ इतना टेम्परेचर, अगर इससे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो रिफ्लेक्टर होता है वो स्फेरिकल शेप का लेना पड़ता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप्ड रिफ्लेक्टर इज टू बी यूज टू गेट हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्लेक्टर हम लोग स्फेरिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हम लोगों को 1300 डिग्री सेल्सियस तक का हीट दे देता है, ठीक है। अब डिफरेंस कहेंगे क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर, तो यही समझो कि ये बॉक्स टाइप क्या होता है, सिंपली इसमें जो मिरर यूज होता है वो प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल शेप्ड में क्या होता है कि रिफ्लेक्टर वो कॉनकेव शेप का होता है, इस तरीके की, क्या कॉनकेव ही है ना, इधर से रे आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेव टाइप का होता है, इसमें हम लोग कोई भी चीज को फ्राई नहीं कर सकते हैं, बेकिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन स्फेरिकल शेप यूज कर लेंगे तो इसमें फ्राइंग बेकिंग सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ये लो टेम्परेचर हम लोगों को देगा और ये हाई टेम्परेचर देगा, क्लियर है। तो अब स्फेरिकल शेप भी देख लो, ये है स्फेरिकल शेप्ड, पिक के थ्रू समझ लो, ठीक है। तो ये था कहानी किसका, सोलर कुकर की, जिसको कि हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस मैथमेटिकल टर्म कुछ भी नहीं है, बस कहानी की तरह छोटे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।